नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं उदय चौहान। पेश है सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। मतगणना के पांचवें दिन जिला पंचायत सदस्यों के घोषित हुए नतीजे। रामपुर मथुरा इलाके में ग्रामीण पर तेंदुए ने किया हमला। निवर्तमान प्रधान पर कोड़े बरसाए जाने का वीडियो वायरल। चुनावी रंजिश में भिड़े दो पक्षों में मारपीट व फायरिंग। सीतापुर में कोरोना का प्रकोप जारी, मिले 143 नए मरीज। जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीतने पर भी 22 ने गंवाई जमानत। रामपुर कला में धांधली का आरोप लगा, पुनर्मतदान की मांग। शहर की राजा बाजार में लगी आग में लाखों का नुकसान। सीतापुर में मतगणना शुरू होने के पांचवें दिन गुरुवार को जिला पंचायत सदस्यों के नतीजे घोषित किए जा सके हैं। इस बार जिला पंचायत में निर्दलियों का दबदबा रहा है। जनपद के 79 वार्डों में से 45 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने विजय पताका फहराई है। भाजपा के खाते में 15, सपा के खाते में 14, जबकि बसपा के खाते में 5 सीटें आई हैं। सदर तहसील में विजयी प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। सीतापुर जिला मुख्यालय से 125 किमी दूर थाना रामपुर मथुरा के भदेसर गांव में तेंदुआ के आने की सूचना फैलते ही ग्रामीण जमा हो गए। तभी तेंदुओं ने एक ग्रामीण पर हमला कर दिया। इस हमले का एक ग्रामीण ने वीडियो भी बनाया है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से अचानक तेंदुआ खेत में युवक पर हमला करता है। इससे पहले कुत्तों पर हमला करने के बाद तेंदुआ गांव के पास स्थित जंगल में छिप गया था, जिसे गांव के ओमकार ने देखा था। इसकी जानकारी वन विभाग को दी गई। DFO रुस्तम परवेज मौके पर पहुंचते कि इससे पहले तेंदुआ ने अनूप कुमार पर हमला कर दिया। हमले में अनूप कुमार, ब्रजेश कुमार और कल्लू घायल भी हुए हैं। हमला करने के बाद तेंदुआ जंगल में छिप गया। वन विभाग उसे पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने का इंतजाम कर रहा है। सीतापुर की एक ग्राम पंचायत में जीते प्रधान के जश्न का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें गांव की सरकार के नए मुखिया के आगमन पर न कि होली खेली जा रही है और जश्न मनाया जा रहा है, बल्कि जुलूस निकालने के बाद एक तुगलकी फरमान के तहत निवर्तमान प्रधान का दर्जा देकर एक बुजुर्ग को रस्सी से बांधकर उस पर सजा के तौर पर कोड़े भी बरसाए जा रहे हैं। बुजुर्ग पर कोड़े बरसाते हुए बाकायदा माइक से यह सवाल पूछा जाता है कि एक कॉलोनी में कितने रुपए लिए। जवाब में जैसे ही वह कहता है 30,000 रुपए, वैसे ही उस पर कोड़े बरसाए जाने लगते हैं। फिर अगला सवाल कि शौचालय में कितने रुपए लिए, जैसे ही जवाब आता है 2,000, फिर उस पर कोड़ों की बरसात शुरू कर दी जाती है। बहुत बिरयानी और गोश्त खाया, फिर कोड़ों की बरसात। फिर सवाल होता है कि किसी के मरने में कितने रुपए लिए, जवाब आता है 1,00,000। इतने कोड़े पड़ते हैं कि उसका कुर्ता चित्ती चित्ती हो जाता है। निवर्तमान प्रधान की भूमिका निभा रहे शख्स को इतने कोड़े पड़ते हैं कि वह मजबूर होकर कह उठता है कि अब चुनाव नहीं लड़ेंगे और फतेहपुर से पंगा नहीं लेंगे। इस नाटक के जरिए गांव की सरकार में कितना भ्रष्टाचार है, इस पर से भी पर्दा उठता दिखाई देता है। यह वीडियो वायरल होने के बाद हकीकत को जानने के लिए आई इंडिया ने जब पड़ताल की तो पता चला कि यह मामला सीतापुर जनपद के ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत बेहड़ा बैकुंठपुर का है, जहां से ग्राम प्रधान पद का चुनाव जीते सूफियान खान का स्वागत समर्थकों ने भारी संख्या में जुलूस निकाल कर किया। इस दौरान वर्तमान प्रधान को कंधे पर बिठा लिया और खूब रंग गुलाल उड़ाकर खुशी का इजहार किया। जश्न के बीच वृद्ध जुम्मन को निवर्तमान प्रधान बनाकर सोनू मोनू मौलाना सालिम तालिब निवासी फतेहपुर ने रस्सी से बांधा और फिर गवैया निवासी राजा बाबू ने कोड़े बरसाने का काम किया और मुईन जाफिर ने माइक से सवाल जवाब किए। मामले से आहत होकर निवर्तमान प्रधान इसरार अहमद खान ने शिकायती पत्र कमलापुर थाने में देकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल इस मामले में पुलिस कुछ भी नहीं बोल रही है, लेकिन इस वीडियो ने कई चीज़ों को उजागर कर दिया है।
वायरल वीडियो ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को, जिसमें चुनाव बाद जुलूस न निकालने और कोविड गाइडलाइन का पालन कराने के निर्देश दिए थे, उसका कितना पालन हो रहा है या उजागर कर दिया है। दूसरा, गांव में पिछले 5 साल के दौरान प्रधानों ने कितना भ्रष्टाचार किया, सरकारी योजनाओं में कितना रुपया खाया, यह भी उजागर कर रहा है। तीसरा, जिसे ग्रामीणों ने अपना मुखिया चुना, वह कोरोना काल में अपने गांव की सुरक्षा के प्रति कितना गैर जिम्मेदार है, यह जुलूस में भारी भीड़ जुटाकर उजागर कर दिया है। और चौथा, पुलिस प्रशासन कोरोना काल में ऐसा अपराध करने वालों पर अंकुश लगाने में अक्षम साबित हो रहा है। सीतापुर के कनवा खेड़ा में गुरुवार को चुनावी रंजिश में दो पक्ष भिड़ गए। मारपीट के बीच हवाई फायरिंग भी की गई। घटना में दोनों पक्षों के 5 लोग जख्मी हुए हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स अपनी छत पर तमंचा लहराते हुए दिखाई दे रहा है। यह मकान हाजी मोहम्मद रिजवान का बताया जा रहा है। ASP डॉक्टर राजीव दीक्षित, SDM अमित भट्ट, CO सिटी पीयूष कुमार सिंह व कई थानों की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात काबू में किए। SDM सदर ने बताया कि दोनों पक्षों के कई लोग हिरासत में लिए गए हैं। तनाव के मद्देनज़र गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बिसवा कोतवाली क्षेत्र के सरैया माफी में नवनिर्वाचित प्रधान पक्ष के समर्थक महिलाओं को घर में घुसकर पीटने का आरोप है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि उनके घर की एक लड़की पूर्व प्रधान की पोलिंग एजेंट बनी थी, जिसको लेकर बुधवार शाम को विपक्षी डॉक्टर वकार व उसके समर्थक किसी बात को लेकर पीड़िता को गाली देने लगे। मना करने पर डॉक्टर वकार व उनके समर्थक घर में घुसकर महिलाओं को लात घूंसों से मारने पीटने लगे। पीड़िता का कहना है कि उसके घर में सभी लड़कियां ही हैं, जिन्होंने अपने घर की छत पर चढ़कर जान बचाई एवं आत्मरक्षा में ईंट पत्थर चलाए। पीड़ित परिवार ने बताया कि उसकी जान का खतरा बना हुआ है। बिसवा पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। सीतापुर में कोरोना का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है। नए मरीजों के मिलने का आंकड़ा जरूर घटता बढ़ता रहता है। स्वास्थ्य विभाग से जारी रिपोर्ट में गुरुवार को कोरोना मरीजों की संख्या कुछ घटी है। गुरुवार को 143 नए पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि 1689 रिपोर्टें आनी अभी बाकी हैं। इस बीच 2457 सैंपल गुरुवार को और लिए गए हैं। 1429 मरीज होम आइसोलेशन में हैं और 126 की मृत्यु अभी तक हो चुकी है। सीतापुर के विद्याज्ञान स्कूल की प्रिंसिपल नूतन सिंह की कोरोना के चलते निधन हो गया। निधन से शिक्षा जगत में शोक की लहर दौड़ गई। बीते 20 अप्रैल को विद्याज्ञान स्कूल की प्रिंसिपल नूतन कोरोना की चपेट में आ गई थीं। कोरोना से नाजुक हालत देख विद्यालय प्रबंधन ने उन्हें महाराष्ट्र के अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां पर उनका इलाज चल रहा था। बुधवार की रात को संक्रमित प्रिंसिपल को दिल का दौरा पड़ गया, जिससे उनकी मौत हो गई। विकासखंड हरगांव की सेमरी भान गांव रहस्यमयी बीमारी के प्रकोप से जूझ रहा है। प्रधान उस्मान खान ने बताया कि प्रत्येक परिवार में कोई न कोई सदस्य बीमारी की चपेट में है। बीमारों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। पिछले 3 दिनों में 2 ग्रामीणों की मौत भी हो चुकी है। कोरोना संकट काल में लोगों का जीवन बचाने के लिए पूर्व विधायक सीतापुर नगर पालिका परिषद के चेयरमैन आगे आए हैं। उन्होंने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर शहर में 14वें वित्त आयोग की निधि से ऑक्सीजन प्लांट समेत जिला व महिला अस्पतालों में वेंटिलेटर की स्थापना किए जाने का आग्रह किया है। साथ ही उन्होंने जनता को यह सुविधा निःशुल्क दिए जाने की मांग की है। आपको बता दें कि संपूर्ण देश में कोविड महामारी का भीषण प्रकोप होने के कारण बड़ी संख्या में शहर व देहात के लोग असमय ही काल के गाल में समा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों के कोरोना संक्रमित होने व अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित होने के चलते सभी छोटे बड़े अस्पताल व उनमें बने वेंटिलेटर्स फुल हैं। मरीजों की लंबी कतारें हर जगह लगी हुई हैं। पीड़ित मरीजों को ऑक्सीजन न मिलने से व बड़ी संख्या में मौतें हो रही हैं, जिससे हर जगह विकराल स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसे देखते हुए नगर पालिका परिषद सीतापुर के चेयरमैन पूर्व विधायक राधेश्याम जायसवाल ने जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज को पत्र लिखकर नगर में ऑक्सीजन प्लांट लगवाने तथा जिला चिकित्सालय में सीतापुर में 3 व जिला महिला चिकित्सालय में 2 वेंटिलेटर स्थापित किए जाने की मांग की है।
नगर पालिका परिषद सीतापुर में उपलब्ध 14वें वित्त आयोग की निधि से उक्त कार्य को शीघ्र ही करा दिए जाने की बात कही है। ऑक्सीजन प्लांट के संचालन में आने वाले व्यवहार को पालिका अपने स्रोतों से वहन करेगी और साथ ही जनता को सभी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाएंगी, उनसे इनका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। शहर की राजा बाजार में श्याम जर्दा पान मसाला की दुकान में गुरुवार की दोपहर शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग की तेज लपटों ने समूची दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय दुकानदारों ने आग बुझाने का प्रयास किया मगर सफल नहीं हो सके। फिर दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इस अग्निकांड में लाखों के नुकसान का अनुमान है। उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ की ओर से प्रत्येक पदाधिकारी व सदस्य को कोविड से बचाव के लिए एक एक फेस शील्ड, एक स्प्रे सैनिटाइजर, 2 जोड़ी वॉशेबल हैंड ग्लव्स, पेपर सोप तथा 10 सर्जिकल मास्क उपलब्ध कराए गए हैं। संगठन के अध्यक्ष आलोक मिश्रा द्वारा बताया गया कि यह व्यवस्था जिला मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट संघ के खाते से की गई है। महोली भाजपा मंडल अध्यक्ष श्रीनाथ वाजपेयी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल की तानाशाह तृणमूल सरकार के द्वारा भाजपा कार्यकर्ता के ऊपर किए जा रहे अमानवीय व प्रतिशोधात्मक कार्रवाई के विरोध में प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर विरोध दर्ज कराया गया। सांकेतिक धरना प्रदर्शन में महामंत्री पीयूष मिश्रा, उपाध्यक्ष गौरव शुक्ला, जिला उपाध्यक्ष भाजमो तरुण शुक्ला, मंत्री निर्मल मिश्रा, सभासद अवधेश वाजपेयी, रजनीश मिश्रा, दिनेश शुक्ला, अभिषेक अमन, प्रांजल गुप्ता आदि मौजूद थे। ब्लॉक पहला की ग्राम पंचायत रामपुर कला में मतदान की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए मतदाताओं ने निर्वाचन आयोग, मुख्यमंत्री, जिला अधिकारी और SDM सिधौली से चुनाव रद्द करवाते हुए पुनर्मतदान की गुहार लगाई है। मतदाताओं का आरोप है कि वोट डालने के दौरान बूथ से बार बार मुहर गायब हो जा रही थी। इसके बाद निर्वाचन कर्मचारी मुहर की जगह मतपत्र पर अंगूठा लगाने की बात मतदाताओं से कह रहे थे। कई मतदाता मुहर नहीं मिलने पर अंगूठा लगा भी दिए। पोलिंग एजेंट अतुल तिवारी ने इसकी शिकायत भी दर्ज कराई लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आई इंडिया। स्टूडियो IAS लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही IAS और PSS की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो IAS की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में IAS और PSS की तैयारी कर सकते हैं। स्टडी IAS स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। सीतापुर में 79 जिला पंचायत सदस्य पदों पर 1100 उम्मीदवार चुनावी अखाड़े में किस्मत आजमा रहे थे। चुनाव के परिणाम काफी चौंकाने वाले आए हैं क्योंकि 79 में से करीब 22 सीटों पर धुरंधरों ने कुर्सी पर अपना कब्जा तो जमा लिया लेकिन वो अपनी जमानत राशि बचाने के लिए आयोग से तय मतों को जुटा नहीं पाए। जमानत गंवाने वालों में 27 भाजपा के दिग्गज नेता भी शामिल हैं। जमानत राशि बचाने के लिए कुल पड़े मतों का 5वां हिस्सा अनिवार्य रूप से जुटाना होता है। विजय पताका फहराने के बाद भी जिन 27 भाजपा के दिग्गजों ने अपनी जमानत गंवाई उनमें वार्ड 1 से रामजीवन जायसवाल, वार्ड 5 से बिमला राज, वार्ड 23 से छबीले, वार्ड 50 से दीपक शुक्ला, वार्ड 52 से प्रेमदीप जायसवाल, वार्ड 75 से रिंकी मिश्रा तथा वार्ड 76 से बसंत लोधी शामिल हैं। इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी वार्ड 8 से ललिता देवी, वार्ड 9 से आशा रानी, वार्ड 13 से अमित कुमार, वार्ड 15 से रागिनी, वार्ड 21 से रामस्वरूप, वार्ड 22 से जितेंद्र कुमार, वार्ड 25 से मोहम्मद रिजवान, वार्ड 26 से नूरजहां खातून, वार्ड 28 से बलवीर सिंह, वार्ड 45 से सुनीता, वार्ड 49 से अनुपमा सिंह, वार्ड 53 से देवेंद्र यादव, वार्ड 56 से कन्हैया लाल, वार्ड 62 से अनिकेत वर्मा तथा वार्ड 63 से राजा राम भी अपनी जवानर रास गंवा बैठे हैं।
बंगाल चुनाव में हिंसा को लेकर नगर पालिका परिषद खैराबाद में धरना देते हुए भाजपाइयों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन अधिशासी अधिकारी हृदयानंद उपाध्याय को सौंपा। इस मौके पर भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष संदीप अवस्थी, मंडल उपाध्यक्ष विनीत मिश्रा, सेक्टर संयोजक संजय त्रिवेदी, मंडल मंत्री रामकृष्ण पाल, पिछड़ा वर्ग मोर्चा मंडल अध्यक्ष रामजी गुप्ता, महामंत्री अजीत गुप्ता आज मौजूद थे। रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र में बासुरा के करीब स्थित अंकित किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप से लाखों की चोरी व आगजनी का मामला प्रकाश में आया है। मैनेजर रोहित ने पेट्रोल पंप मालिक सुशील कुमार अग्रवाल को देर रात 3 बजे फ़ोन पर घटना की सूचना दी। पेट्रोल पंप के मालिक ने बताया लगभग 5 लाख रुपये नकदी चोरी होने का अनुमान है, जबकि ऑफिस में रखे डेली बिक्री व लेन देन के रजिस्टर में आग भी लगा दी गई है, जिससे कुल धनराशि चोरी होने की सही सूचना नहीं हो पाई है। थाना अध्यक्ष अमित सिंह भदौरिया ने बताया कि प्रथम दृष्टया घटना संदिग्ध प्रतीत होती है, गहनता से जांच की जा रही है। इमलिया सुल्तानपुर थाना परिसर में नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य, प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पुलिस अधिकारियों के सामने सोशल डिस्टेंसिंग की खूब धज्जियाँ उड़ाई गईं। बैठक में सीओ सदर अभिषेक प्रताप अजय ने सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों से विजय जुलूस न निकालने और शांत व्यवस्था बनाए रखने को कहा है। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन उत्तर प्रदेश इकाई के प्रदेश अध्यक्ष राजेश तिवारी एवं प्रदेश महासचिव अशोक कुमार सिंह ने उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर करके उचित दर विक्रेताओं की समस्याओं का समाधान कराए जाने की मांग की है। दायर याचिका में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के राशन विक्रेता सरकार के निर्देशानुसार ई पास मशीन से खाद्यान्न का वितरण कर रहे हैं, जबकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार ने सरकारी विभागों में बायोमेट्रिक उपस्थिति पर रोक लगा दी है, फिर भी कोटेदारों से ई पास मशीन के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण कराया जा रहा है। ई पास मशीन पर फिंगर लगवाने से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। उन्होंने मांग करते हुए कहा है कि ई पास मशीन से वितरण बंद कराकर ओटीपी के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण कराया जाए, सभी कोटेदारों का 50 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कराया जाए, जिला पूर्त अधिकारी द्वारा सभी कोटेदारों को मास्क, सैनिटाइजर, साबुन आदि सामग्री विभाग से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे, परंतु अभी तक किसी भी कोटेदार को कोई सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गई है। सभी कोटेदारों को शीघ्र सामग्री उपलब्ध कराई जाए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा संभावित कोरोना प्रभावित लोगों का पता लगाने के लिए चलाए जा रहे जांच अभियान के तहत गुरुवार को लहरपुर क्षेत्र के ग्राम सुल्तानपुर हरप्रसाद एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 78 लोगों की एंटीजन किट से कोरोना की जांच की गई। सीएससी अधीक्षक डॉक्टर आनंद मित्रा ने बताया कि जाँच में 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिन्हें कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जागरूक करते हुए होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। लहरपुर की इंडियन बैंक शाखा गुरुवार को फिर तकनीकी कारणों के चलते बंद कर दी गई। इससे पहले बैंक स्टाफ के कोरोना संक्रमित हो जाने एवं असिस्टेंट शाखा प्रबंधक की कोरोना से मौत हो जाने के कारण लगभग 2 सप्ताह बैंक बंद होने के बाद विगत 4 मई को खोली गई थी। बैंक के बाहर एक तख्ती टांगकर सर्वर मेंटेनेंस होने के चलते बैंक का कार्य बाधित रहने की बात कहकर शाखा को गुरुवार को फिर बंद कर दिया गया, जिसके चलते इस समय शादी ब्याह के मौसम में दूर दराज से आने वाले बैंक ग्राहकों को निराश होकर वापस जाना पड़ा। चलते चलते हम आपको छोड़ जाते हैं सीतापुर के रोडवेज बसों की समय सारणी पर। सीतापुर में कोरोना का खतरा अभी जारी है। आप लोगों से आई इंडिया की अपील है कि घर से बहुत जरूरी काम होने पर ही बाहर निकलें, बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ना भूलें।